नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिव्यू ऑफ रिव्यूज। आज हम बात करेंगे फरवरी में लॉन्च होने वाले फोन की, वो है टेक्नो फैंटम X2 प्रो। ये 2023 की फरवरी में लॉन्च होगा, फरवरी के पहले ही हो सकता है। ये फोन पहले दुबई में लॉन्च हो चुका है, वहां से ही मंगवा करके बाकी टेक एक्सपर्ट्स ने इसका रिव्यू दिया है। तो आज हम इसी फोन पे चर्चा करेंगे कि इस फोन में क्या है खास। ये फोन यानी टेक्नो फैंटम X2 प्रो, ये टेक्नो फैंटम X का सक्सेसर है। टेक्नो फैंटम X2 सीरीज इंडिया में फरवरी तक लॉन्च होगी। ये फोन दुबई के टेक एक्सपो में दिखाया गया था पहली बार, और इसके बाद से ही इसकी हर जगह चर्चा होनी शुरू हो गई थी। स्मार्टफोन कंपनीज एनवायरमेंट फ्रेंडली होने का दावा तो करती हैं, लेकिन अपनी जेब भरने के लिए उन्होंने चार्जर गायब कर दिया डब्बे से, और नेचर और एनवायरमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया। लेकिन टेक्नो ने एक काम किया है नेचर के लिए कि इंडियन ओशन में जो प्लास्टिक बॉटल्स या प्लास्टिक का और जो कचरा होता है, उससे फोन का बैक पैनल बनाया है, वो भी खूबसूरत टेक्सचर के साथ में। बाकी स्मार्टफोन ब्रांड्स को भी सीखना चाहिए इस काम से। अब जानेंगे फोन के बारे में कि क्या क्या है। तो सबसे पहले बता दें कि इस फोन का रिव्यू किसने किसने किया है। तो अनबॉक्स थेरेपी, इन्होंने इस फोन का रिव्यू दिया है। दूसरे है हमारे GSM अरीना। अब जान लेते हैं फोन लुक्स एंड कलर्स के बारे में। मार्स ऑरेंज और स्टारडस्ट, ये दो कलर आपको मिलेंगे टेक्नो फैंटम X2 प्रो में। और टेक्नो फैंटम X2 जो है, इसमें आपको कुछ डिफरेंट कलर मिलेंगे ग्रे और सिल्वर में। अनबॉक्स थेरेपी ने इस फोन के सारे कलर्स और सारे वेरिएंट्स का रिव्यू दिया था। तो इन्होंने X2 प्रो के बारे में क्या कहा वो जानेंगे। तो इन्होंने जब सारे फोन्स का एक साथ रिव्यू किया, इस पूरी सीरीज के फोन्स का रिव्यू किया, तब ये कहते हैं कि X2 और X2 प्रो में दोनों फोन्स के कैमरा मॉड्यूल बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। सिलेंडर शेप फील आती है फोन में जब फोन को होल्ड करते हैं। फोन का केस जब आप लगाते हैं तो फोन के साइड्स ओपन रहते हैं। तो उसके बारे में अनबॉक्स थेरेपी कहते हैं कि फोन के एजेस पे जो इंजीनियरिंग की गई है, वो इसको इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अलग और बेहतरीन बनाता है। मार्स ऑरेंज कलर वाला वेरिएंट बहुत अच्छा है और उसका टेक्सचर भी कमाल का है। GSM अरीना बोलते हैं कि टेक्नो मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और ये फ्लैगशिप लेवल का टेक्नो ने फोन लॉन्च किया है। ये प्रीमियम क्लास फोन है। वैसे तो टेक्नो फैंटम X2 और X2 प्रो दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन प्रो वर्जन थोड़ा स्पेशल है। इसका प्राइमरी पॉपअप कैमरा मोटराइज्ड है, जो कि सरप्राइजिंग है। इसके कर्व मेटल फ्रेम है, जहां पर अनफॉर्चुनेटली बैक पैनल पे कोई भी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती। इन द बॉक्स कंटेंट के बारे में जानते हैं। बॉक्स में आपको टेक्नो फैंटम X2 प्रो फोन मिलेगा। अडैप्टर 45 वाट का है। चार्जिंग केबल टाइप सी टू टाइप सी मिलेगी। टाइप सी हेडसेट भी मिलेगा। ये पहला ऐसा फोन होगा इस प्राइस रेंज में लॉन्च हो रहा है, और इसमें ईयरफोन भी मिल रहा है, वो भी टाइप सी मिलेगा। 3.5 mm का ऑडियो जैक नहीं है, टाइप सी में ही आप ईयरफोन कनेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव केस विद स्टैंड मिलेगा। अनबॉक्स थेरेपी बोलते हैं, अंग्रेज आदमी अंग्रेजी में बोलते हैं, वाओ टाइप सी हेडसेट इन द बॉक्स। बहुत खुश हो जाते हैं, और खुश होने वाली बात भी है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है कि किसी ब्रांड ने अपने फोन के साथ में ईयरफोन भी दिया हो। और ये कहते हैं फोन के केस के बारे में कि फोन का केस भी काफी कूल है। दूसरी बात ये कि केस में स्टैंड भी दिया हुआ है, कैमरा मॉड्यूल को प्रोटेक्ट करता है, और जरूरत पड़ने पे फोन का स्टैंड भी बन जाता है, ये बढ़िया चीज है। बटन पोर्शन सेंसर के बारे में जानते हैं। फोन के ऊपर की तरफ आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक मिलेगा, लेफ्ट साइड में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट साइड में आपको पावर बटन विद रेड इंडिकेटर और वॉल्यूम रॉकर्स मिलेंगे। रेड बटन आपको पावर बटन पे रेड इंडिकेटर टाइप मिलेगा। बॉटम में आपको सिम ट्रे, टाइप सी पोर्ट, माइक होल और स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगी। सेंसर की बात करें तो जी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर और डिस्टेंस सेंसर, जायरोस्कोप, फिंगरप्रिंट सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक कंपास, ये सब देखने को मिलेगा। GSM अरीना बोलते हैं, इस समय प्रीमियम फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स आ रहे हैं, लेकिन इसमें सिंगल स्पीकर दिया गया है। इसका फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत रिलायबल है, बहुत बढ़िया काम करता है। कैमरा एंड बैक पैनल के बारे में बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 50 megapixel प्राइमरी लेंस है, जिसका अपर्चर 1.9 है, PDAF के साथ आता है, जो कि फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस PDF का फुल फॉर्म हो गया। 50 megapixel यानी 50 megapixel का टेलीफोटो लेंस F1.5 अपर्चर के साथ में आता है, ये भी PDAF है। 13 megapixel का वाइड एंगल लेंस है, जो कि 2.2 अपर्चर के साथ में आता है, जो कि ऑटो फोकस के साथ में ही है। फ्रंट कैमरा 32 megapixel का है, जिसमें फ्लैश लाइट भी दी गई है। अनबॉक्स थेरेपी का कहना है कैमरा के बारे में, प्राइमरी लेंस जो पॉपअप करता है वो मैंने पहली बार देखा है किसी स्मार्टफोन में। ये शायद मोटराइज्ड है और टेलीफोटो लेंस कैपेबल है जूमिंग के लिए, अच्छी फोटोज निकाल लेता है। वाइड एंगल लेंस
means not bad, ऐसा बोलते हैं वो। इसकी फोकसिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। सेल्फी कैमरा क्लियर एंड गुड। कैमरा फीचर्स बहुत सारे हैं इसमें, स्पेशली फिल्म मोड और प्रो मोड में बहुत ज्यादा मजा आता है फोटो क्लिक करने में। अलग अलग मोमेंट्स जैसे सिंगिंग और डांसिंग को कैप्चर करने के लिए ज्यादा बढ़िया फीचर्स मिलते हैं। GSM Arena कहते हैं कि हाई एंड फोटोग्राफी के लिए बढ़िया फोन है। कैमरा बम्प में यूनिक 3D डिजाइन दिया गया है, ये देखते ही अटेंशन ले लेता है। कैमरा तो स्टार ऑफ द शो है, नेचुरल कलर्स आते हैं, कैमरा क्वालिटी अच्छी है, टेलीफोटो लेंस में बहुत क्लीन और शार्प फोटोज आती हैं, बिना पोर्ट्रेट मोड ऑन किए ही बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है। फ्रंट कैमरा ओवरऑल तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.8 AMOLED 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में कर्व्ड स्क्रीन है, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन है, 1080p का रिजोल्यूशन है। अनबॉक्स थेरेपी कहते हैं डिस्प्ले के बारे में कि AMOLED डिस्प्ले है तो क्या तारीफ करें, बढ़िया ही है। GSM Arena कहते हैं हाई फ्रेम रेट गेमिंग और स्क्रीन स्क्रोलिंग में काफी स्मूथ है। अगर आप 60Hz पे यूज करेंगे तो बैटरी ज्यादा चलेगी, इसमें HDR वीडियोस नहीं चलेंगे। निट स्पीक ब्राइटनेस के मामले ये अपने कॉम्पिटिटर से काफी पीछे है, और ऑटो ब्राइटनेस सेंसर भी कभी कभी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो हो सकता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद में ये सारी समस्याएं सही हो जाएं। सिम ट्रे के बारे में बात करें तो डुअल नैनो सिम सपोर्ट करेगा 5G टू 5G, लेकिन SD कार्ड अब एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। GSM Arena का कहना है कि ये ऑनबोर्ड 256GB के साथ में आता है, तो SD कार्ड एक्सपेंड नहीं कर पाओगे और शायद जरूरत भी नहीं है। वेट का भी कुछ खास पता नहीं है, वेबसाइट पे भी मेंशन नहीं है, वेबसाइट पे भी आधी अधूरी जानकारी दी गई है। GSM Arena का कहना है कि ये फोन टफ और हैवी है। अब इसकी तुलना कुछ सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा से कर सकते हैं, क्योंकि ये शायद उसी से इंस्पायर्ड होकर के इसका डिस्प्ले और बाकी ओवरऑल जो डिजाइन है वो उसी से इंस्पायर्ड होकर के बनाया गया है। हाँ, बैक पैनल पर जो कैमरा मॉड्यूल है वो कुछ अलग है। थिकनेस के बारे में बात करें तो 8.95mm की थिकनेस है। अनबॉक्स थेरेपी का कहना है फोन के साइड्स काफी स्लिम है। हैंडीनेस के बारे में बात करें तो दोनों एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सॉलिड इन हैंड फील है। बैटरी के बारे में बात करें तो 5160mAh की बैटरी है, जो कि फुल चार्जिंग टाइम है एक घंटे में ये फुल चार्ज होता है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है इस प्राइस रेंज में। GSM Arena का कहना है कि चार्जिंग स्पीड इज नथिंग स्पेशल, आधे घंटे में सिर्फ 39% ही चार्ज होता है। बैटरी लाइफ बहुत सॉलिड है, लेकिन इसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देना चाहिए था इसमें। इसकी इंड्योरेंस रेटिंग 109 hours है। मेमोरी के बारे में बात करें तो रैम LPDDR5 है, इस टाइप की है, रोम टाइप है UFS 3.1। फोन दो वेरिएंट में आएगा, 8GB 128GB ये बेस वेरिएंट रहेगा और 12GB 256GB ये टॉप वेरिएंट रहेगा। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो MediaTek Dimensity 9000 चिपसेट बेस्ड ऑन 4nm प्रोसेस, CPU 3.05 GHz का है। GSM Arena का कहना है कि चिपसेट इसका बहुत सॉलिड है, गेमिंग परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है, बल्कि 60fps पे गेमिंग आप बहुत स्मूथली तरीके से कर सकते हो। कनेक्टिविटी की बात करें तो Wi-Fi 6 शायद दिया जाएगा, Bluetooth 5.3 शायद दिया जाएगा, और मैं शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेंशन नहीं किया गया है। आपको सिर्फ कनेक्टिविटी के सेक्शन में आपको इसके वेबसाइट पे मिलेगा Wi-Fi, Bluetooth, FM, OTG और NFC। हाँ, NFC का सपोर्ट इसमें है। तो अब मान के चलिए इस प्राइस रेंज में है, तो अभी प्राइस में आपको आगे बताऊंगा, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.3 होना ही चाहिए और शायद होगा भी। GPU के बारे में बात करें तो 10 कोर GPU दिया गया है, कौन सा है ये नहीं पता, पर GPU 10 कोर का होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो HiOS जो कि टेक्नो के साथ में ही दिया जाता है विद Android 12, ये Android 12 पे बेस्ड होगा। Android 13 आ चुका है, लेकिन ये Android 12 ही इसमें मिलेगा, जो कि दोनों एक्सपर्ट इस चीज से थोड़ा डिसअपॉइंट हैं, वो ये बात बोलते हैं कि Android 13 देना चाहिए था। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में GSM Arena का कहना है कि इसका HiOS इस बार दर्जनों प्रोप्राइटरी फीचर्स के लिए अच्छे से कस्टमाइज किया गया है। स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करें तो टेक्नो क्लेम्स फॉर यूज इंडियन ओशन रिसाइकल प्लास्टिक इन बैक पैनल विच इज वेरी गुड, स्टाइलिश पॉपअप कैमरा विद 4K 60fps पोर्ट्रेट वीडियो शूट, मास्टर ऑफ लैंग्वेज फीचर फॉर मल्टी यूज ट्रांसलेशन, ये फीचर आपको मिलेगा कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अच्छे से ट्रांसलेट कर पाओगे। जैसे जैसे 5 स्पेशल फीचर दिए गए जो आप ट्रांसलेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। टाइप एंड ट्रांसलेशन, इसको फेस टू फेस ट्रांसलेशन भी मेंशन किया गया है ऐसा लिख के, इसमें आप कुछ भी टाइप करेंगे उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे कीबोर्ड के मदद से। इमेज शूटिंग ट्रांसलेशन, आप इसमें किसी भी डॉक्यूमेंट की किसी भी चीज की फोटो खींच के आप उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे डायरेक्टली। सोशल मीडिया ट्रांसलेशन, आप किसी भी सोशल मीडिया साइट पे होंगे वहीं से उस पूरे पैराग्राफ को, उस पूरी लाइन को आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। पेज सेलेक्टिव ट्रांसलेशन, आप किसी पेज की फोटो क्लिक करके या किसी आप कोई PDF देख रहे हैं या किसी पेज की फोटो खींच करके आप वहां से भी डायरेक्टली बिना कोई सेकंड या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप डायरेक्टली उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे पूरे के पूरे पेज को। और रिकॉर्डर टेक्स्ट ट्रांसलेशन, ये भी आपको मिलता है जिसकी मदद से आप किसी चीज को रिकॉर्ड करके, अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके उसको टेक्स्ट में पाएंगे और फिर उसी टेक्स्ट को आप दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी कर पाएंगे आसानी से। ये फोन जब इंडिया में आएगा तो हम हिंदी
एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और भी कई सारी इंडियन लैंग्वेजेस भी मिल सकती हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए हम इंडिया में इस तरह के ऐप काफी यूज करते हैं। अनबॉक्स थेरेपी का कहना है स्पेशल फीचर्स के बारे में कि ऐसा केस और ऐसे अनएक्सपेक्टेड फीचर्स मैंने आज तक नहीं देखे थे। अंतुतु स्कोर की बात करें तो वेबसाइट पे मेंशन है कि 10 लाख का अंतुतु स्कोर इसमें मिलेगा, अंतुतु बेंचमार्क स्कोर मिलेगा। प्राइस के बारे में बात करें तो 12 GB रैम 256 GB वाला वेरियंट आपको अप्रॉक्स अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें 8 GB SSD वाला वेरियंट आपको $720 में मिलता है, और जो 12 GB 256 GB वाला वेरियंट है वो आपको $930 में मिलता है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो 8128 वाला आपको 56,000-57,000 के आसपास, अब वो इंडिया में किस प्राइस रेंज में लॉन्च होगा इसके आसपास ही होगा शायद, और 12 256 GB वाला वेरियंट लगभग 70,000 के आसपास, इतना मान के चलिए कि आ सकता है, थोड़ा आगे पीछे भी होगा। परचेजिंग पर्सपेक्टिव और कंक्लूजन की बात करें तो अभी ये इंडिया में आया नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से शाहरुख खान की फिल्मों की चर्चा 2 साल पहले ही शुरू हो जाती है, वैसे ही अभी ये फोन इंडिया में आया भी नहीं है। अभी भी 2 महीना फोन ये लेट है, लेकिन फिर भी चर्चाएं जिस हिसाब से हो रही हैं टेक्नो की इंडिया में, उस हिसाब से लगता है कि फोन जल्दी आएगा और शायद सक्सेस होगा। लेकिन हम अभी बता दें फीचर्स के आधार पे कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो दोनों एक्सपर्ट्स के हिसाब से और ROR की टीम के हिसाब से ये कंक्लूजन निकल करके आता है कि कैमरा, डिस्प्ले क्वालिटी, डिजाइन से तो ये ऑल राइट फोन है, पर फोन के जो मेन डाउनसाइड्स हैं जैसे ब्राइटनेस कम है, स्लो चार्जिंग स्पीड है, स्टीरियो स्पीकर्स नहीं दिए गए हैं, इंगरेस्ट प्रोटेक्शन नहीं है जैसा कि GSM अरीना कहते हैं, इसके लिए मुझे आपको ये फोन रिकमेंड करना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा GSM अरीना बोलते हैं। लेकिन अनबॉक्स थेरेपी भी हैं और भी बाकी रिव्यूअर्स हैं, उनका क्या कहना है इस फोन के बारे में कि फोन कुछ डिफरेंट है, फीचर्स भी आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रहे हैं। वैल्यू फॉर मनी इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ऐसा बेहतरीन डिजाइन और कुछ यूनिक फीचर्स मिल रहे हैं, इसलिए हम वैल्यू फॉर मनी बोलेंगे, क्योंकि कुछ उल जलूल चीजें भी लोग दे रहे हैं उनसे अगर हम कंपेयर करें तो फोन फिर भी काफी अच्छा है। कैमरा बेहतर चाहते हैं तो ये फोन आपके लिए है, डिस्प्ले बेहतर चाहते हैं तो ये फोन आपके लिए। हाँ, ब्राइटनेस के मामले में थोड़ा कमजोर है ये। अगर हम पूरी सीरीज की बात करें, यानी अगर हम टेक्नो फैंटम X2 सीरीज की बात करें, तो दोनों सीरीज में बहुत बड़ा अंतर है। डिस्प्ले, डिजाइन वगैरह तो सब सेम है, लेकिन कैमरा में बहुत बड़ा अंतर है कि आपको प्रो वर्जन में तो अच्छा कैमरा मॉड्यूल मिल रहा है, लेकिन जो X2 है 64 MP प्राइमरी लेंस के साथ में, 13 MP के अल्ट्रा वाइड एंगल के साथ में, और 2 MP जिसकी आवश्यकता नहीं थी शायद यहाँ पे, मैक्रो लेंस 2 MP का मैक्रो लेंस वो इसमें डाल दिया गया है, और प्रो वर्जन में 50+50+13 MP अच्छा कैमरा सेटअप है वो दिया गया है। तो अगर आप लेना ही चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रो वर्जन के साथ में जाइए, क्योंकि आप जितना खर्च करेंगे X2 पे उसी प्राइस पॉइंट पे आपको और बेहतर ऑप्शन मिल रहे हैं। ओवरऑल फोन की बात करें तो आप परफेक्ट एंड्रॉइड तो नहीं बोल सकते, पर अ गुड एंड्रॉइड डिवाइस विद यूनिक डिजाइन जरूर कहेंगे। जीवन में कुछ अलग हटके होना चाहिए तो ये फोन अलग हटके है। जो डाउनसाइड फीचर्स हैं अगर उनसे कॉम्प्रोमाइज आप कर सकते हैं तो डिजाइन और कैमरा के लिए आप ये फोन कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज इसी प्राइस पे आप और अच्छे विकल्प को तलाश सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।